बांध कर दिया गया, सुबह की नजर कर दिया गया। अगर आप चाहते तो आप कह सकते थे प्राइम मिनिस्टर के ये तो सुबह की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं सलूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं अपने लीडर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उन्होंने हमेशा नौजवानों की बात की। प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा तकरीरों में कहा पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। और नौजवानों यही वजह है आपके वजीर आजम ने 135 अरब रुपए की लागत से आप लोगों के लिए 3 प्रोग्राम्स का आगाज किया, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए 100 अरब रुपए रखे, स्किल्स स्कॉलरशिप्स के लिए 10 अरब रुपए रखे, और अब आपके कामयाब जवान मरकज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, इनोवेशन लीग के लिए, ग्रीन यूथ मूवमेंट के लिए 4 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नौजवानों के लिए रखे हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि कामयाब जवान मरकज हमारी यूनिवर्सिटीज के नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। नौजवानों को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का इशू था, जॉब प्लेसमेंट का इशू था, कैरियर काउंसलिंग का इशू था, इंशाल्लाह ताला ये कामयाब जवान मरकज और दीगर प्रोजेक्ट नौजवानों को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। मैं नौजवानों आपके सामने आज ये बात रखना चाहता हूं, मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नेशनल यूथ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क की शक्ल में, कामयाब जवान प्रोग्राम की शक्ल में बुनियाद रख दी है नौजवानों की डेवलपमेंट के लिए। हम लोग महातीर मोहम्मद की बात करते हैं, हम लोग ली क्वान यू की बात करते हैं, लेकिन आप देखें ली क्वान यू को, महातीर मोहम्मद को मलेशिया और सिंगापुर को ट्रांसफॉर्म करने में 20-20 साल लगे। इन लोगों को भी वहां माफियाज का सामना था, इन लोगों को भी वहां अदालतों की तबाही का सामना था। मैं समझता हूं और मेरा ये ईमान है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी हुकूमत के ये जो 4-5 मंसूबे हैं, एहसास प्रोग्राम की शक्ल में, नया पाकिस्तान हाउसिंग की शक्ल में, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो लेके आए हैं शौकत रीन साहब यहां बैठे हैं उसकी शक्ल में, हेल्थ कार्ड की शक्ल में, कामयाब जवान प्राम की शक्ल में, इन 5 प्रोग्राम्स की बुनियाद रख दी गई है। ये 5 प्रोग्राम ग्राउंड में है, अगले 5 साल में इंशाल्लाह ताला ये 5 प्रोग्राम पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करेंगे, नौजवान ऊपर जाएंगे, पाकिस्तान में गुर्बत खत्म होगी, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, और जब सबज पासपोर्ट की इज्जत की बात की मेरे लीडर ने, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला दुनिया भर में सबज पासपोर्ट की इज्जत भी होगी। आखिर में मैं तमाम कामयाब जवान के जो पार्टनर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं समझता हूं जिस तरह फुटबॉल की गेम में एक स्ट्राइकर जब गोल करता है तो दुनिया उस स्ट्राइकर को याद रखती है कि इसने गोल किया है, लेकिन कभी उन प्लेयर्स का नाम नहीं आता, उन अनसंग हीरोज का नाम नहीं आता जो उस स्ट्राइकर को बॉल देते हैं डी तक ले जाने के लिए। तो मैं उन तमाम पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले मैं असद उमर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। स्टेट बैंक के गवर्नर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, डीजी सीमा साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं, शफका महमूद साहब और उनकी इंटायर मिनिस्ट्री का, एचईसी का, एनआईटीबी का, नेफटेक के चेयरमैन का, और उसके साथ साथ यूएनएफपीए जो हमें सपोर्ट कर रहा है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, कामयाब जवान की जो टीम है इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे 21 पार्टनर बैंक्स हैं उनके लिए तालियां होनी चाहिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो जबरदस्त काम कर रहे हैं इसमें। और प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चूंकि यूथ एक क्रॉस कटिंग सब्जेक्ट है, ये तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ इसकी अटैचमेंट है, हमारी हुकूमत, हमारे वजीर, कामयाब जवान प्रोग्राम की सारी टीम इंशाल्लाह ताला अगले साल जब हम तीसरा कामयाब जवान कन्वेंशन करेंगे, 155 डिस्ट्रिक्ट से ये 500 तहसीलों में गांव गांव घर घर इंशाल्लाह ताला कामयाब जवान प्रोग्राम पहुंचा दिया जाएगा। कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।
जिसका बीज आज बोया गया है और इसका फल आने वाली नस्लें देखेंगे भी और उसके गुण भी गाएंगी। अब हम दावत देना चाहते हैं वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी जनाब असद उमर साहब को, वो तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उस्मान डार आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उस्मान अभी बता रहे थे कि कौन सा मंसूबा जो है कितने अरबों रुपए उसके लिए फंडिंग दी गई है, लेकिन ये जो सारा काम पिछले 3 साल से हो रहा है ये सिर्फ फंडिंग से नहीं हो रहा, इसमें उस्मान डार का जज्बा भी शामिल है। वेल डन उस्मान। 3-4 चीजें मैं जल्दी जल्दी कहना चाहूंगा। एक तो आपका शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब, हमने 2013 का जब मंशूर बना रहे थे ना उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाया था जवान मराकज का, और उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, वो नहीं, जो ओरिजिनल विजन था उसके मुताबिक नहीं हो सका। 3 साल से मैं उस्मान डार के पीछे था, फाइनली इसने कर दी है, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन इसको सारे पाकिस्तान में फैलाना है अब। दूसरी चीज जी उस्मान, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन मैं आपसे मीटिंग में इजाजत लेके गया था, मेरा एक सेशन था कामयाब जवान का, जिसमें ये स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम जो है, और खुदा का वास्ता इसको उर्दू नाम इस्तेमाल किया करो, अगर आपको तर्जुमा नहीं आता तो इसका तर्जुमा है हुनर सबके लिए, ठीक है ना, आपसे ये स्किल्स फॉर ऑल नहीं है, हुनर सबके लिए। जावेद हसन साहब बैठे में ये भी साथ थे हमारे, एक तो नौजवानों से बात करें ना, आप प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं, शौकत तरीन साहब बैठते हैं हमारे सामने, वो इतना बड़ा फर्रा आ जाता है, जी हमें ये सब्सिडी दे दो, वो SRO करा दो, इसमें मर गए उसमें मारे गए। आप प्राइम मिनिस्टर साहब नौजवानों के साथ बैठे हैं और ये बच्चे थे जिनको सिर्फ हुनर सिखाया गया, इनको कारोबार नहीं दिया गया, खुद उन्होंने अपने किस तरीके से कारोबार के लिए आइडियाज बनाए, इतनी जबरदस्त इनोवेशन, क्रिएटिविटी, जज्बा। मैं बार बार ये कहता हूं कि पाकिस्तान की मईशत जो है, गवर्नर साहब बड़ी जबरदस्त मॉनेटरी पॉलिसी भी ले आएंगे, शौकत तरीन फिस्कल पॉलिसी भी ले आएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान की मईशत के अंदर इनकलाब आएगा वो इनकलाब इन नौजवान बिजनेसमैन, रिस्क टेकर और एंटरप्रेन्योर्स के जरिए आएगा, इनको हमने सपोर्ट करना है। तो उस्मान आपने करना ये है कि जो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम है ना, इनकी आपस में इंटीग्रेशन करनी है, जो हुनर सबके लिए, जो स्किल्स फॉर ऑल आपका प्रोग्राम है, इन बच्चों को जो हुनर लेके आ रहे हैं इनको आपने कनेक्ट करना है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम जो है, कि वो जो कर्जे हैं, और ये बैठे हुए शौकत, ये आरिफ उस्मानी मेरे तो काबू नहीं आते, आरिफ उस्मानी साहब जी सदर बैठे हुए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, इनके सभी, मैं सब बच्चों को उनका फोन नंबर देता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था ना सिटी बैंक में, तो ये मेरे बॉस थे आरिफ उस्मानी साहब, तो ये मेरे तो काबू आते नहीं है, लेकिन शौकत तरीन उस वक्त सीनियर कंट्री ऑपरेशन ऑफिसर थे सिटी बैंक में, तो ये आई एम श्योर शौकत इनको कंट्रोल कर लेंगे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू स्पीड अप इट्स लैंडिंग। लेकिन उस्मान, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि इन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का आपने इसमें आपने कनेक्ट पैदा करना है, तीसरी चीज का प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने ये फैसला करना है, ये जो जॉब पोर्टल बनाया जी, ये मेरी फरमाइश के ऊपर बनाया गया था, एक जॉब पोर्टल है जो नैपटेक ने बनाया है, और उसमें क्या है, जो भी जवान कोई अपनी नौकरी ढूंढ रहा है तो उसने उस पर अपना रेज्यूमे डालना है, क्या उसके पास स्किल्स हैं, और इसी तरीके से वो इदारे जिनको लोगों की जरूरत है, जो स्किल्ड बच्चों को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने अपनी जॉब पोस्ट करनी है, और इसके पीछे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन है जो फिर वो मैचिंग करता है। तो घर बैठ के वो वाली सियासत नहीं कि जहां पर पहले मैं आपसे बोलूं कि तरीके इंसाफ को वोट डालोगे या नहीं, अगर डालोगे तो अगर मैं अच्छा सियासतदान हूं तो फिर मैं आपको पर्ची दूंगा कि आप जाके नौकरी करो, और अगर मैं बिल्कुल ही रिवायती सियासतदान हूं तो मैं पहले आपसे पैसे भी लूंगा। शफाफ तरीके से बगैर किसी हुकूमत की इंटरवेंशन के हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों को ये नौकरी मिले। तो PM आपसे अनाउंसमेंट हमें ये चाहिए, डायरेक्शन चाहिए तमाम गवर्नमेंट के बराए रास्त मिनिस्ट्रियां और मिनिस्ट्रियों के जैली इदारे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, कि जो भी नौकरी है तो वो नेक्स्ट के पोर्टल के ऊपर उन्होंने उसको डालना है, ताकि शफाफ तरीके से हर पाकिस्तानी नौजवान के पास हो।
आखिरी चीज, आखिरी चीज उस्मान जिसको आपने करना है, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं, और ये प्राइम मिनिस्टर सबसे मुश्किल काम ये होता है, ये बड़े जज्बे से काम कर रहा है और जाहिर है हमारी हुकूमत चाहती है कि नौजवानों के लिए अच्छे अच्छे काम करें, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन हम जितनी भी कोशिश कर लें हम कभी भी उस पोजिशन में नहीं आ सकते जिसमें ये नौजवान हैं जो सोच सकते हैं कि इनको क्या मसाइल हैं, क्या चैलेंजेस हैं और उनका बेहतरीन हल क्या है। तो उस्मान आपने जो सिस्टम क्रिएट करना ना, जो यूथ काउंसिल वाला है, उनसे सिर्फ मशवरे नहीं लेने, हमने सिस्टम डिजाइन करना है जहां पाकिस्तान के नौजवान अपनी जिंदगी के जो मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हो उन फैसलों के हिस्सेदार बने। ये सिर्फ मेरे जैसे बाबे ना उनके लिए फैसले करें, ये नौजवानों को हमने फैसला साजी में शामिल करना है। जबरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सियासत में आके इंसान जो है मेहनत करता है, अच्छा काम करने की कोशिश करता है, फिर थोड़ा थक भी जाते हैं, कुछ इसलिए थक जाते हैं कि चैलेंजेस ज्यादा हैं, कुछ इसलिए थक जाते हैं कि सियासत के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग उनकी आती है, उन लोगों की आती है जिनको आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि यार इसका ना किसी इसके दिल में कोई ख्वाहिश है कि मुल्क बेहतर हो, ना इसके दिल में कोई ख्वाहिश है कि किसी इंसान की जिंदगी बेहतर हो। तो इंसान का वो थोड़ी देर के बाद ना ऐसा वक्त आता है इंसान का जज्बा थोड़ा सा गिरना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद आपको सिर्फ 10 मिनट चाहिए ऐसे नौजवानों के साथ और आपका जज्बा दोबारा बहाल हो जाता है। पाकिस्तान का कामयाब नौजवान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब असद उमर साहब, आपने वक्त निकाला इस तकरीब के लिए। अब हम दावत देंगे वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब को कि वो आएँ और अपना इजहार ख्याल करें इस मनसूबे के हवाले से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब वज़ीर आज़म साहब, मिनिस्टर्स, उस्मान डार साहब और मेरे जवानों, अस्सलाम अलैकुम। किसी भी कौम का सबसे कीमती असासा जो है उनके नौजवान होते हैं और ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं आवाम होते हैं। इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो कई ऐसे ममालिक हैं जिनके पास और कुछ नहीं है लेकिन तालीम याफ्ता सेहतमंद आवाम है तो उन्होंने बहुत तरक्की की, जिसमें सबसे सरफरिस्त आप देखेंगे तो जापान है। जापान के पास कोई ऐसी रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास सिर्फ 14 करोड़ लोग हैं, उन्होंने उनको तालीम दी, सेहतमंद बनाया और वो दुनिया की कुछ अरसा पहले दूसरी बड़ी मईशत थे। इसी तरीके से सिंगापुर है और अभी हमने चीन को देखा, चीन ने अपने अवाम को तालीम दी, सेहतमंद किया और वो इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, लेकिन कुछ अरसे में वो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन जो है कि नौजवानों को हमने आगे बढ़ाना है, उनको हमने ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करना है, उनको हमने ये जो है लोन्स वगैरह देने हैं ताकि वो अपना कारोबार करें, इस विजन को आगे लेके उस्मान डार साहब ने जिस पैशन के साथ ये मिशन को आगे लेके जा रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। आपका कामयाब जवान प्रोग्राम जो है इस वक्त 24 से 26 अरब रुपए जो है वो पिछले 2 साल में लोगों को पैसे मिले, लेकिन एक दिन ये मेरे पास आ गए और मुझे उन्होंने कहा जनाब कामयाब जवान तो मैं कर रहा हूं, मुझे तो कामयाब किसान करना है। तो हमने सोचना शुरू किया कि इसको कैसे आगे लेके चलें, तो सोच विचार के बाद उसी वक्त जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम जो बनाया और इसमें मैं इनका बहुत बड़ा हिस्सा है
और वो था कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके बीच में कामयाब किसान भी है, जिसमें हम किसानों को 1.5 लाख रुपए हर फसल के पैसे देंगे और वो भी सूद के बगैर, जिसके बीच में हम कामयाब हमारे पास कारोबार है जिनमें हम 5 लाख रुपया देंगे हर घराने को, और उसके बाद हम लो कॉस्ट हाउसिंग भी देंगे और सेहत का कार्ड भी देंगे और हुनरमंद स्कीम भी देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम देंगे उनको। किन लोगों को देंगे? 40 लाख घरानों को, 40 लाख घरानों को। और ये हमें ख्याल किधर से आया? ये उस्मान डार साहब ने ये बीज मेरे दिमाग में डाला, तो मैं इसे इनको इनका शुक्रिया अदा करूं, इनके लिए बहुत बहुत तालियां। इस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विजन है कि हमने मदीने की रियासत वेलफेयर स्टेट बनानी है, इस बीच में इन 40 लाख घरानों में हम लोग तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपए, 1.4 खरब रुपया जो हम देंगे अगले 3-4 सालों में, और उससे निचले तबके के लिए हम वो आसानियां पैदा करेंगे कि वो अपने पाँव पे खड़े होके वो अपने घर गृहस्थी के लिए कमाएंगे और आपकी तरह वो भी खुद को फील होंगे। तो ये भी हम इमरान खान की एक लीडरशिप है जिसने हमें ये कहा है कि और के मतलब गरीबों के लिए सोचो, पाकिस्तान के मुतालिक सोचो तो पहले गरीबों के लिए सोचो और उसके बाद बाकी लोग तो जो हैं उनको तो वैसे ही जो है वो जो है हमारी मईशत जो है उनका सहारा बन जाती है। तो मैं एक दफ़ा फिर उस्मान डार साहब को कहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे, ये हुकूमत आपके साथ रहेगी, हम प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में हम ये नौजवानों को भी हम वो देंगे, कर्जे देंगे, लेकिन जो गरीब तबका है हमारा निचले से चाल जो जिसको मैंने कहा 40 लाख खानदानों का भी हम उनको भी सूद के बगैर कर्जे देंगे ताकि अपने पाँव पे खड़े हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। शौकत तरीन साहब आपसे दरख्वास्त है कि कुछ देर के लिए यहाँ पर हमारे साथ रहिए असनाद की तकसीम के लिए। जब हम उस्मान डार साहब आप भी प्लीज़ यहाँ पर तशरीफ़ ले आइए। और रियासत मदीना के 4 ज़ेली उसूल से नाज़रीन शफाफियत, एहतसाब, इंसाफ और ख़वातीन की खुदमुख्तारी। कामयाब जवान प्रोग्राम में आज 4 नई जहतों का इफ्तिताह होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। अच्छा मौसीकी प्लीज बंद कर दें जी। तकरीब असनाद की तरफ चलते हैं हम, और उन लोगों को हमने असनाद से नवाजना है जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे और जिनका बहुत अहम किरदार है। बिल्कुल, सबसे पहले हम दावत देंगे बैंक ऑफ पंजाब जो कि टॉप परफॉर्मिंग बैंक है। अगर हम कर्जजात के हवाले से बात करें, भरपूर तालियों में अपना आगाज कीजिए। आसिफ रियाज साहब ग्रुप हेड हैं बैंक ऑफ पंजाब के। इसके बाद हम आते हैं जेएस बैंक जो कि बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कहलाया इस पूरे मंसूबे में, और जेएस बैंक की तरफ से बासिर शमीम साहब प्रेसिडेंट हैं जेएस बैंक के। साहब को दावत देंगे, प्रेसिडेंट हैं जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के। 2.5 अरब रुपए से जायद के कर्जजात ये बैंक दे चुका है। नैपटेक के चेयरमैन जनाब सैयद जावेद हसन साहब से दरखास्त है कि वो तशरीफ ले आए। Thank you.
सुहेल साहिबा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन। भरपूर तालियों में वेलकम करें डॉक्टर शाइस्ता सुहेल साहिबा। और सबसे आखिर में जनाब मोहम्मद अली मलिक साहब, जो कि कामयाब जवान प्रोग्राम के नुमाइंदे हैं। अब हम इफ्तिताह की जानिब बढ़ते हैं। वजीर आजम साहब इफ्तिताह करेंगे कामयाब जवान प्रोग्राम के चार नए मंसूबों का। तालियां बजाइए। अब मैं दावते खिताब दे रहा हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, आपने भरपूर तालियों में, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, नौजवानों के कप्तान है आप, वजीर रहीम या करा बदो या करस्ताइन। सबसे पहले उस्मानदार, आपको, आपकी सारी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और मुबारक देता हूं आपको। और इसलिए कि जिस जुनून से आपने ये काम किया, मेहनत तो आपने की लेकिन मेहनत के साथ जुनून मुझे नजर आया, इसलिए मैं खास तौर पे सबके सामने, आप सारा यूथ, नौजवान, कामयाब नौजवान जो यहां बैठे हैं, मैं सबके सामने आज इसको उस्मानदार को, इसलिए कि कई समझते थे बड़ा मुश्किल है, ये नहीं होगा, लेकिन लगा रहा उस्मान, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता था, प्लानिंग मिनिस्टर से मिलता था, स्टेट बैंक गवर्नर से, तो ये जो इससे प्रोग्राम अभी तक सामने लेके आए, ये शुरू करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन माशाल्लाह क्योंकि अब चल पड़ा है तो अब हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे मंसूबों में से इंशाल्लाह सबसे कामयाब होगा। अच्छा, अब आप सब ने खामोशी से जरा दो तीन मिनट गौर से मेरी बात सुननी, बिल्कुल खामोशी। देखिए नौजवानों, मैं 9 साल का था तो मैं अपनी वालदा के साथ, तब वो गद्दाफी स्टेडियम नहीं था, उसका नाम अभी गद्दाफी रखा नहीं गया था, लेकिन लाहौर स्टेडियम में टेस्ट मैच देखने गया 9 साल की उम्र में। मेरी खाला के बड़े बेटे थे जिन्होंने उस टेस्ट के अंदर बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी, सेंचुरी की। तो अभी एक मिनट कुछ और बोल, बस अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूं, 9 साल की उम्र का था। तो जितने भी मेरे रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरे कजन्स को देखा हुआ था क्रिकेट खेलते हुए, वो मेरे से बड़े थे, वो सब मुझे कहते थे कि उनमें तुम्हारे से बहुत ज्यादा टैलेंट था, तुम टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो सारा वक्त मैं ये सुनता गया कि तुम्हारा टेस्ट क्रिकेटर बनना यानी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना नामुमकिन है। फिर खैर मैं बन गया टेस्ट। वजीर आजम इमरान खान कामयाब जवान कन्वेंशन 2021 से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस्मान डार को कामयाब जवान कन्वेंशन पर मुबारकबाद देता हूं। उस्मान डार इस प्रोग्राम के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सुने, जरा गौर से सुने, क्योंकि ये देखें जो ये मैं आपको बातें कह रहा हूं ये आपके लिए आने वाले आपके मुस्तकबिल में बहुत काम आएंगी, तो इसलिए जरा गौर से सुने, क्योंकि आपने
इंशाल्लाह बड़े काम करने हैं, आप सब ने बड़े काम करने हैं। तो जब इंग्लैंड में वो था तो अखबार में आया इमरान कांट, इमरान खान नहीं, इमरान कांट, यानी क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसके बाद चार साल लगे वापस, बड़ी मेहनत की, पढ़ाई भी कर रहा था, मेहनत करके फिर से क्रिकेट टीम में वापस आया और फिर मेहनत की, गलतियों से सीखा, कामयाबी मिली, फिर बड़े बड़े गोल्स किए कि पहले पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बनना चाहता था, फिर दुनिया का, फिर कैप्टन बना, फिर पाकिस्तान टीम को दुनिया की टॉप टीम करना चाहता था। ये सब लेकिन हर जगह, सुने जरा, सुने सुने, हर जगह मुझे ये कहा गया कि ये नामुमकिन है। हर जगह पहले मुझे कहा तुम तेज बॉलर नहीं बन सकते, फिर तुम कैप्टन नहीं बन सकते। हर जगह दुनिया कहती रही कि ये चीजें नामुमकिन है। फिर जब हॉस्पिटल बनाने लगा, अखबार में मजमून निकले कि ये कौम से पैसा इकट्ठा करे, पैसा जाया हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं बनेगा। फिर कहा गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं होगा। ये सब मुझे सुननी पड़ी अपनी जिंदगी में चीजें। फिर जब नमल यूनिवर्सिटी बनाने गया, कहा देहात के अंदर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, कि देहात के अंदर प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं क्योंकि फैकल्टी नहीं जाएगी, प्रोफेसर नहीं जाएंगे वहां, इसलिए वो फेल हो जाएगी। फिर जब पॉलिटिक्स में आया तो 14 साल मेरा मजाक उड़ा, 14 साल थोड़ा वक्त नहीं है, 14 साल बड़े बड़े तजिया नगार मजाक उड़ाते रहे कि ये जी समझता है क्रिकेट है ये सब कुछ। कहा कि दोस्तों ने सुन ले, ये आपके लिए काम की बातें करने लगा हूं। दो पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी आ ही नहीं सकती। और फिर जब वो पार्टी आ गई तो फिर 3 साल से सुन रहा हूं कि तुम फेल हो जाओगे। ये मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं और इंशाल्लाह आप ये सब ये अपनी नजरों से देखेंगे कि पाकिस्तान को एक अजीम तरीन कौम बनते हुए। ये मेरी नौजवानों, ये मेरी आखिरी एंबिशन है जिंदगी की। हर चीज में लोगों ने कहा नामुमकिन है, अल्लाह ने कामयाबी दी। इसलिए कामयाबी दी कि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है उसने एक उसूल कई बनाए हुए हैं कि जिसने भी कामयाब दुनिया में होना है, कोई भी इंसान आज तक मेहनत किए बगैर कामयाब नहीं हुआ। कोई इंसान शॉर्टकट लेके कोई उसने आज तक दुनिया में बड़ा काम नहीं किया। और कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी, नौजवानों खास तौर पे आपके लिए फिर से गौर से सुने, कामयाबी का राज सबसे बड़ा यह है, बड़ी सोच रखना। जितनी बड़ी ख्वाब आपकी होगी उतना ही बड़ा इंसान बनेगा। अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम के सामने झुको, तो शैतान ने कहा कि मैं तो आग का बना हुआ, मैं क्यों इसके साथ, ये तो मिट्टी का बना हुआ है। तो अल्लाह ने शैतान को क्या कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इस इंसान को कितनी ताकत दी है। तो नौजवानों, लोग अपनी जिंदगी गुजार जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि अल्लाह ने उनको कितनी ताकत दी है। जितना आप अपने आप को आजमाओगे, जितना आप चैलेंजेस के सामने खड़े होगे, उतना आप बड़े इंसान बनते जाओगे। कामयाब वो नहीं होता जो सबसे टैलेंटेड होता है, जहीन होता है, अच्छी तालीम मिलने वाला कामयाब नहीं होता। कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच,
बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। जितनी आप ऊपर सोच रखेंगे, याद रखें, उतनी ज्यादा मायूसियां जिंदगी में आएंगी आपके सामने। और इंसान के कैरेक्टर की पहचान बुरे वक्त में होती है। मुश्किल वक्त में पता चलता है कि इंसान का कितना कैरेक्टर है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है? हमारी बेहतरी के लिए। जब एक इंसान के सामने मुश्किल आती है, उसके सामने खड़ा होता है, बुरे वक्त को बर्दाश्त करता है, अपना जायजा लेता है कि क्या वक्त, क्या गलतियां की मैंने, गलतियों को ठीक करता है मेहनत करके, इंसान और मजबूत हो जाता है और ऊपर चला जाता है। और यह साइकिल जिंदगी का। असल में नौजवानों, ये मेरी अब सब ने ये बात समझनी है, कभी आपको हार हराती नहीं है। जब आप हार से, बुरे वक्त से हार मान जाते हैं, तब आप हारते हैं। जब तक आप हार नहीं मानते, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। अच्छा, अभी वो शिफा ने कहा कि अंग्रेजी, मैं सिर्फ अंग्रेजी का पहले क्लियर कर दूं कि देखिए, मैं ये कहता हूं कि फंक्शन में सारे पाकिस्तानी बैठे होते हैं, टीवी पे जा रहा होती है फंक्शन और हम अंग्रेजी में बोल रहे होते हैं। कभी सुना है कि इंग्लैंड के अंदर कोई फंक्शन हो रही है और वो उर्दू में शुरू हो जाए बोलना? कोई कभी सुना है? चाइनीज बैठे होते हैं हमारे यहां, चाइनीज बैठे होते हैं, उनको अंग्रेजी आती भी है तो चाइनीज में बात करते हैं। लेकिन हम हर जगह जाके, दो अंग्रेज बैठा हो या कोई फॉरेनर बैठा हो, हम अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं और हमारे टीवी पे लोग अंग्रेजी समझते नहीं है, तो मैं इसलिए कहता हूं। अच्छा, अब मैं फिर वापस आता हूं। देखें, क्योंकि आपके हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मौका मिला है आपको, ये जो आपको स्किल डेवलपमेंट, हुनर सीखने का मौका मिला है, आपको कर्जे मिले हैं जिससे आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये आपको मौका मिला है कि आप जिंदगी में वो काम कर सके जो एक मुल्क को भी तब्दील कर दे, आपकी भी जिंदगी बेहतर कर दे। लेकिन कामयाबी तब होगी जब आप इस मेहनत, इस मौके का फायदा उठाएंगे और मेहनत करेंगे, बुरे वक्त से सीखेंगे। हम पाकिस्तान को, हमें यह पता है कि बड़ा मुश्किल वक्त है हमारे पे। मुश्किल वक्त क्यों है? दुनिया पे मुश्किल वक्त आया हुआ है। मुश्किल वक्त क्यों आया है? कोरोना की वजह से। सदियों में एक दफा इतना बड़ा सुन ले, बाद में नारे मारना, ये मेरी जरा गौर से बात सुने। कोरोना वायरस सदी में एक दफा इस तरह का एक दुनिया में बुरान आता है, सारी दुनिया में मुश्किल आई हुई है क्योंकि लॉकडाउन कर दिए। लॉकडाउन की वजह से कारोबार खत्म हो गया, सब कुछ रुक गया, सप्लाई लाइंस वो रुक गई, चीजें गायब हो गई, चीजों की कीमत ऊपर चली गई, तेल दुगना, कोयला दुगना, गैस दुगनी से भी ज्यादा। तो ये सारी दुनिया का मसला इस वक्त, उसके लिए मैं फिर आपको कहता हूं कि हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। एक तो कामयाब जवान तो आपके सामने आज, लेकिन कामयाब पाकिस्तान जो भी शौकत तरीन ने बताया, सूद के बगैर कर्जे 40 लाख खानदानों को, उनको हुनर सिखाना, सूद के बगैर घर के लिए कर्जे,
यानी घर बनाने के लिए पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि हुकूमत सूद के बगैर कर्जा देगी ताकि गरीब घराना अपना घर बना सके। और सबसे ज्यादा जो मुझे फख्र है आज नौजवानों, सबसे ज्यादा फख्र मुझे इस चीज पे है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस, सारे खानदान जितने सूबे हमारे नीचे हैं, पंजाब, पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, हर शहरी को हम इंशाल्लाह हेल्थ इंश्योरेंस देने लगे हैं जो कि जनवरी से शुरू हो जाएगी सारे पंजाब के अंदर हर खानदान के लिए। और इससे यह होगा कि किसी घर में भी बीमारी हुई तो 7 लाख से 10 लाख रुपए किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकेंगे। ये मैं हमेशा समझता था, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना रहा था कि अल्लाह ने मुझे कभी भी मौका दिया। शौकत खानम कैंसर क्यों बनाया था हॉस्पिटल? क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे महंगा है। जब मेरी वालदा को कैंसर हुआ तो मुझे एहसास हुआ इस चीज का, तो सोचा कि गरीब लोग कैसे अपना कैंसर का इलाज करवा सकते हैं, इसलिए शौकत खानम बना था। और तभी मैंने इरादा किया था कि अल्लाह ने मुझे कभी भी मौका दिया तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे कि गरीब से गरीब घराना में भी अगर मुश्किल वक्त आता है तो उनके पास कार्ड हो, किसी भी अस्पताल में जाके अपना मुफ्त इलाज करवा सके। अब मैं आजकल, क्योंकि आपको पता है टेप्स की बात हो रही है, तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं, तो नौजवानों एक चीज आपने समझ ली है, 25 साल पहले मैंने जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैंने तब कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, अब आप समझें कि ये मसला है क्या मुल्क का। जिस मुल्क के अंदर उनका सरबरा प्राइम मिनिस्टर और वजीर चोरी शुरू कर दें, मुल्क के पैसे को चोरी करके बाहर ले जाना शुरू कर दें, और वो बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं, क्यों ले जाना पड़ता है? क्योंकि अगर मुल्क में पैसे रखेंगे तो नजर आ जाएंगे लोगों को, इसलिए उनको बाहर भेजना पड़ता है, तो दुगना नुकसान मुल्क का करते हैं। तब से मैं कह रहा हूं कि कौमें गरीब इसलिए नहीं होती कि उधर वसाइल की कमी है, कौमें गरीब इसलिए होती हैं कि जब उनके अपने सरबरा, उनके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब ये हुआ क्या है, जरा ये आपने समझना है केस क्या है। पैनमा 2016 में पैनमा केस आया, वो पैनमा केस में क्या चीजें निकली, दुनिया में जिन लोगों ने अपना पैसा छुपा के ऑफशोर अकाउंट्स में रखे हुए थे उनके नाम आ गए। उनमें से एक नाम आ गया कि जनाब जो 4 लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। इधर से शुरू हुई बात। उसके बाद अदालत में केस गया, उसके बाद JIT बनी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आया और फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को सजा हो गई। अब बजाय ये कि आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से, ये लंदन फ्लैट, 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के, बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हूं, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं, तो सबको बुरा भला।
भाई आप जवाब दें कि आपने ये चार फ्लैट लिए किधर से, सारी चीजें कह रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे ऊपर इन्होंने केस किया, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, मेरा भी लंदन में फ्लैट था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज की 40-40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के मैंने कागजात दिए, जबकि मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो एक खिलाड़ी था। उसके बावजूद जो अदालत ने मेरे से रसीदें मांगी मैंने उनको दी, 10 महीने लगे। मैंने क्यों, और इन्होंने अभी तक जब इन्होंने अदालत में पूछा, पहले असेंबली में झूठ बोला ये हैं जी दस्तावेजात, वो फ्रॉड निकले, फिर कतरी खत आ गया वो फ्रॉड निकला, फिर क्लिबरी फॉन्ट आ गई वो भी फ्रॉड निकली। उसके अभी तक एक कागज नहीं ये बता सके कि चार लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए हैं, क्योंकि चोरी का पैसा था। अब सारे पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला, लेकिन जो मुझे अफसोस है, और मैं ये आखिर में आपसे सबसे बात करना चाहता हूं, ये आखिरी बात है, ये समझ जाए, अफसोस किस चीज का है कि एक लाहौर में फंक्शन होती है, उधर चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है, उधर कौन तकरीर करता है, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट किया हुआ है, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, वो तकरीर कर रहा है। मेरे नौजवानों एक मेरी बात सुन लें आप, कौम कभी खत्म नहीं होती पैसा चोरी सिर्फ करने से, कौमें फिर ठीक हो जाती हैं, पैसा फिर बना लेती हैं, लेकिन कौम तब तबाह होती है जब चोरी को बुरा नहीं समझा जाता। जब एक कौम की इखलाकियात खत्म होती है कौम खत्म हो जाती है। मौलाना रूमी ने किसी ने पूछा कि कौम कैसे मरती है, मौलाना रूमी ने कहा जब वो कौम, उन्होंने दो दरख्तों की मिसाल दी, एक खुशबूदार दरख्त और एक बदसूरत, कहता जब इनमें फर्क खत्म कर देती है, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई थी उसकी बुनियाद रखी थी अच्छे को अच्छा कहो और बदी को खत्म करो, अच्छे को अमर बिन मारूफ, बड़ा कुरान की आयत के हमारे ऊपर फर्ज कर दिया कि अच्छे को अच्छा कहो बुरे को बुरा कहो। जब तक एक कौम की अखलाकियात कायम रहती है वो कौम को कोई खत्म नहीं कर सकता। जापान, दो एटम बम गिरे जापान के ऊपर, 10 सालों में जापान फिर खड़ा हो गया, एटम बम भी तबाह नहीं कर सका क्योंकि उनकी अखलाकियात कायम थी। जो मदीना की रियासत की बुनियाद इखलाकियात पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, उसके बाद खुशहाली आई थी। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं आप सबको आखिर में ये कहना चाहता हूं कि ये कौम वो कौम बनने जा रही है जो आप अभी तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने इस कौम को सब कुछ दिया है, टैलेंट दिया है, यही नौजवान बाहर जाते हैं एक से एक बड़ा काम कर देते हैं। हमारा सिस्टम क्योंकि करप्ट किया हुआ था इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है सिस्टम को ठीक करने में, लेकिन मुझे कोई शक नहीं कि ये अजीम कौम बनेगी। लेकिन एक चीज मैं ये भी जो आखिर में आपको कहा कि ये भी मेरे जेहन में है कि कभी भी जब तक हम अपने अखलाकी हम अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर नहीं उठाएंगे हम वो उधर नहीं पहुंच सकते जिधर हमें पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है, और इसका मकसद क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, उनकी सीरत से सीख के, उनके कैरेक्टर को अपनी जिंदगियों पे उस पर अमल करें हम, यानी अपनी जिंदगी में लेके आए हम उनसे
हम आशिक़ रसूल हैं सब, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन जो उनकी सीरत है वो अपनी ज़िंदगी पे लागू नहीं करते। और सिर्फ ये हमारा मकसद है कि अपने स्कूल के बच्चों से शुरू करें, उनको उनकी ज़िंदगी से सिखाएं, कैरेक्टर बिल्डिंग करें, क्योंकि अजीम कौम का अजीम कैरेक्टर होता है। उस्मान, मैं आखिर में आपको और आपकी टीम को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक ज़बरदस्त आपने ये जो प्रोग्राम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब जवान कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कामयाबी की